नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम सिंजेंटा कंपनी की एक्सेल हर्बिसाइड की विशेषताओं पर डिटेल में जानकारी देंगे। इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, कितनी देर तक इसका रेनफोर्समेंट है, क्या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सारी विशेषताओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसके टेक्निकल के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो टेक्निकल है, पिनोक्साइडिन 5% ईसी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह एक पोस्ट इमर्जेंट सिलेक्टिव सिस्मिक हर्बिसाइड है। यानी कि किसान भाइयों, इसको आप सिंचाई के 4-5 दिन पहले या सिंचाई के बाद भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। या किसान भाइयों, मुख्य रूप से पतली पत्ती जो होती है, यानी कि गुल्ली डंडा और मांडूसी को 100% तरीके से यह नियंत्रित कर लेता है। किसान भाइयों, इसके जो छिड़काव करने का जो तरीका है, यानी कि इसका छिड़काव आप तभी करें जब आपकी खरपतवार की 3 से 7 पत्ती आपको दिखने लगे। यदि आप 7 पत्ती के बाद या उससे ज़्यादा पत्ती के बाद इसका छिड़काव करते हैं, तो समझ लीजिए आप अपना समय प्लस पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसान भाइयों यह है कि इसका आप छिड़काव तभी करें जब आपकी खरपतवार में 3 से 7 पत्ती खरपतवार की आ गई हो, तभी आप इसका छिड़काव कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसका जो काम करने का तरीका है काफ़ी फास्ट तरीका है। यानी कि 1 घंटे में यह अपना रिजल्ट तो कहना नहीं चाहिए, यानी कि 60 मिनट, यानी कि कहना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर इसमें जब दवा का छिड़काव करते हैं इसका, तो यह पत्तियों में जम जाती है। क्योंकि इसका काम करने का तरीका सिस्टमिक है, तो दवा का जब भी आप छिड़काव करते हैं तो यह दवा पत्ती के अंदर बैठ जाती है और पत्ती के अंदर समा जाती है, जिससे यह काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट प्रदान करती है। किसान भाइयों, यदि इसके डोज के बारे में बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव करवा सकते हैं, और यदि प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो 400 से 450 ml प्रति एकड़ इसका खर्च भी है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।